आप ये सोचें और मेरा किस्सा सुने कोशिश करूंगा एक मिनट में खत्म करने की मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ने आया था मैंने मेहनत की जो मैं कर सकता था शायद कमी रही होगी बहुत उम्मीदें थी कभी कभी पूरी पूरी रात जागा करते थे हम पढ़ाई होती थी नहीं होती थी दैट्स अनदर क्वेश्चन है ना एक मरतबा एक बुजुर्ग आए घर पे है ना वो हम सब बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी रात जो है वो कल रात सोया नहीं तो हम थोड़े है ना थोड़े वो हो गए आगे हो गए यार जबरदस्त ये रात को शायद इबादत कर रहे होंगे तो उन्होंने पूछा भाई आप आ, क्यों रात को सोए नहीं सब खरीदिए थे कल रात को तीन मूवीज देखिए <laughs> तो हम कभी कभी तो एंट्रेंस में अपेयर हुए इंट्रेंस क्वालिफाई नहीं हुआ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन ली कंप्रोमाइज कर लिया था कि हार गए तो हार गए सात आठ महीने के बाद जब फाइनल एग्जाम्स होते हैं फाइनल एग्जाम्स तो सेकंड सेकेंड में उनको पता होता है कि अभी नहीं पता आपको क्योंकि आपने ऑनलाइन दिए बहुत टफ एग्जाम्स होते हैं और उसमें आ, आपको अपेयर होना पड़ता है अपेयर नहीं होंगे तो आप फेल हो जाएंगे तो वो एग्जाम था मेरा पॉलिटिकल साइंस का रमजान का महीना था रात को दो बजे तक हम लाइब्रेरी में बैठ के मल्टी कल्चरलिज्म एक टॉपिक था वो पढ़ रहे थे लाइब्रेरी बंद हुई लाइब्रेरी कैंटीन पे चले गए कि इस टॉपिक को क्लियर करके ही घर कर जाएंगे भाई आज तो कल तो बहुत अच्छा हमने अपेयर होना एग्जाम में तो यानी कि रात को बिल्कुल नहीं सोया चार बज गए चार बज गए सहरी खाई और क्या हुआ नींद आ गई और हम सो जो रूममेट मेरा था जो मुझे जगाया करता था वो उस रात सुबह जल्दी चला दस बजे एग्जाम था नौ बजे एग्जाम था वो सुबह सात बजे उसे किसी को ड्रॉप करने जाना था जो जगाया करता था वो चला गया और फिर ख्वाब में कोई शख्स आके कहता है कि क्या हो रहा है तुम्हारा एग्जाम नहीं है आज तो आंखें खुलती हैं वो ख्वाब में कोई और नहीं बल्कि मेरा दूसरा रूममेट था वो मुझे बता रहा था कि लेट हो गया मुझे पता था लेट हो गया मुझे मैं जल्दी उठा भाई पेन है कोई पेन दो जो कपड़े पहने हुए थे वो भागता भागता गया रास्ते में टाइम देखा तो नौ से ग्यारह बजे तक एग्जाम था दस बज के बीस मिनट हो चुके थे मैं वहां पे जो लोग थे मैंने कहा सर काइंडली मैं रात को पढ़ रहा था और मैं एग्जाम नहीं दे पाया तो प्लीज़ आप मुझे इंटर होने दें नहीं होने दिया गया क्या आप चेयरमैन से बात करें चेयरमैन के पास गया वो सब अपनी लगे हुए थे अपनी बातों में और समोसे और चा, समोसे चाय तो नहीं थी का रमजान था ठीक है वो अपनी बातों में लगे हुए थे ठीक है ने भी कहा बेटा कोई बात नहीं अगले साल आके दे जाना ये रूल्स हैं मैंने उनका रेगुलेशन मैंन फ्यूचर अगर मेरा ख़राब हो रहा है तो डू समथिंग अभी 40 में, 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 में आर्ट्स डिपार्टमेंट के किसी कमरे के बाहर जो एग्जामिनेशन हाल था मैं रोता रहा वापस आया और सो गया फिर सोचा कि हैव टू डू समथिंग दो महीने लॉ के एग्जाम को रह गए थे ये जो एग्जाम छूटा था इसी पर मैंने कोशिश की इसी की वजह से दिस वाज़ द रिजल्ट ये तो छूट गया ये तो गया कम से कम लेट अस ट्राई वंस अगेन मैं बैठा और दो महीने बाद लॉ क्वालिफाई करके जहां पर आना चाहता था वहां पर आ गया तो था कि नहीं अजीब किस्सा <laughs> तो अगर आपका भी ऐसा कोई किस्सा है तो आप हमें सुननाइ